फाइनली टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर्स के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। द कंपनी विल नाउ स्प्लिट इनटू टू डिफरेंट कंपनीज। पहली कंपनी में कमर्शियल व्हीकल्स यानी कि ट्रक्स और बसेस का बिजनेस होगा और दूसरी कंपनी में पैसेंजर व्हीकल्स जिसमें सारी कार्स, ईवीज और जेएलआर का बिजनेस इंक्लूडेड होगा। कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स के बिजनेस में ज्यादा सिनर्जीज नहीं थी तो अब इस डीमर्जर के बाद दोनों ही कंपनीज अपने स्पेसिफिक मार्केट्स पर फोकस कर पाएंगी और साथ ही स्ट्रेटजीज बना पाएगी विच विल पोटेंशियली लीड टू फास्टर ग्रोथ एंड बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, तो इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग पॉसिबल होगा। साथ ही बोर्ड ने डीमर्जर के प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया है, दोनों ही कंपनीज सेपरेटली लिस्ट हो जाएंगी। तो अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर्स को होल्ड करते हैं तो आपको दोनों ही कंपनीज के इक्वल शेयर्स मिल जाएंगे। सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट फॉर द कंपनी, पर क्या आपको लगता है कि इससे दोनों ही कंपनीज को बेटर वैल्यूएशंस मिल पाएंगे? कमेंट करके बताइए एंड फॉलो अस फॉर मोर सच अपडेट्स।